Assalamu alaikum and very good morning to all of my dear students. Welcome back to all of my students in this live session of today's class. Hope you people are very much fine. And my dear students, in our previous class, we have discussed about very important numericals on lens makers' formula and how to find out the effective focal length when the various uh, lenses are combined together my dear students in our previous class before uh, doing these numericals we have a lecture on astronomical telescope and we have discussed some important formulas uh, what is the magnification produced by telescope astronomical telescope when the object is when the image is formed at lddv and a least distance of distinct vision and when the image is formed at infinity for most uh, uh, relaxed eye and all that Hope you people have gone through the lecture very well. And if once again I am telling you if you have any kind of a problem, you can WhatsApp me, you can call me anytime. Take care, dear students. Examination which is to be held in coming days, and before that, I am providing you a DPP of 30 to 40 questions. You may go through these questions, and after that, we will. सेट योर पेपर ऑन ऑन वेरी पैटर्न आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारी रे ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक है ठीक है तो अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग टेलीस्कोप और वो जो टेलीस्कोप थी उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप तो जो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप थी डेट इज बेसिकली रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एंड टुडे वी आर वी मे डिस्कस अबाउट वन मोर टाइप ऑफ टेलीस्कोप दैट so, इज नोन एज रिफ्लैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और जो पिछला वाला जो हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था डेट इज बेसिकली रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप तो जो हमारे पास पहला टाइप था वो था रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यानी जो हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ग्लालियन टेलीस्कोप ये सारे जो रिफ्रैक्ट ये सारी जो टेलीस्कोप हैं इनको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप

होगा इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप तो इफ समबडी यू दैट व्हाई इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इट इज कॉल्ड बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ए लेंस और इन लेंस वहां पर जो हमारा फिनोमिना होता है डेट इज रिफ्रैक्शन होता है इसीलिए इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और यहां पर हम यूज करते हैं यहां पर यूज होता है लेंजेस का और लेंजेस में क्या होती है लेंजेस में होती है रिफ्रैक्शन डेट्स वाई इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप राइट and today we are going to discuss about not refracting it is basically a reflecting type telescope reflecting type telescope reflecting type telescope so if we have already discussed गेटिंग मई पॉइंट वहां पर हमें जो मैग्निफिकेशन मिलती थी वहां पर तो ठीक ठाक हमें सब कुछ मिलता था हम डिस्टिंग दिस्ट होतेजिस को डिस्टिंग इमेज होती फाइंड आउट करते थे तो हम क्यों रिफ्रैक्टिंग से रिफ्लेक्टिंग पर आ गए क्यों पढ़ना जरूरी है हमें रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप सो डेफिनेटली अगर आप कुछ नया पढ़ते हो तो पुराने के कंपैरिजन में नया पढ़ते हो तो इसका मतलब डेफिनेटली पुराने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए हमें नया कुछ देखने को मिलेगा नया कुछ पढ़ने को मिलेगा अब हम देखेंगे तो इसमें जो हमारे पास जो ये रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है तो इस रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में प्रॉब्लम्स कुछ प्रॉब्लम्स थे या हम बोलेंगे दूसरे प्रॉब्लम्स डिफेक्ट्स थे या हम बोल सकते हैं तो जब हम लेंजेस का इस्तेमाल करते हैं एक टेलीस्कोप को बनाने में जब हम लेंजेस का इस्तेमाल करते हैं तो इन लेंजेस के साथ दो तरह की डिफेक्ट्स होते हैं और वो लेंजेस के साथ जो डिफेक्ट्स होते हैं वो डिफेक्ट्स याद करिए एक डिफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन क्रोमैटिक एबरेशन एबरेशन जानते हो ना एबरेशन अपनी पाथ से डिविएट होना अपनी ऑरिजिनल पाथ से डिविएट होना उसको बोलते हैं क्रोमैटिक उसको बोलते हैं एबरेशन, एंड दैट इज बेसिकली क्रोमैटिक एबरेशन क्या बोलते हैं उसको क्रोमैटिक एबरेशन क्रोमैटिक एबरेशन, और हमारे पास दूसरा जो डिफेक्ट है दैट इज सुफेरिकल एबरेशन थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा तो क्यों हमें यहां से रिफ्रैक्टिंग टाइप से मर्ज करना पड़ा रिफ्लैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्यों बनानी पड़ी हमें तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रिफ्रैक्टिंग में क्या प्रॉब्लम है तो दो प्रॉब्लम्स है इसके साथ एक तो क्रोमैटिक ऑपरेशन है और दूसरा सुफेरिकल ऑपरेशन है क्रोमैटिक ऑपरेशन क्या होता है उसके बारे में ध्यान से देखिए तो क्योंकि हम इसमें रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में बेसिकली लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर मैं एक लेंस बनाऊंगा ये लेंस ऐसे है अब ध्यान से देखिए इस लेंस को आप बड़े गौर से देखिए ये लेंस जो है ये यहां पर हमारी प्रिंसिप्लेक्सीस है ऐसे करके ये लेंस जो है ये लेंस जो बना है अगर आप इस पर ऐसे नजर डालेंगे ये वाला ये वाला हिस्सा इस पर रे पड़ती है और इस पर रे इमर्ज आउट होती है और दोनों के बीच में ये वाला एंगल है और ये बना होता है छोटे छोटे प्रिज्म हम मान के चलते हैं कि इसमें प्रिज्म बनते हैं तो यहां पर तो बिल्कुल क्लियर है अगर ये वाला आप हिस्सा देखेंगे तो ये शेप ऑफ एक प्रिज्म है तो ये अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी ये शेप ऑफ द प्रिज्म है तो पूरी लेंस जो है इस तरह से यहां से यहां ऐसे करके ये प्रिज्म से बड़ा पड़ा हुआ है तो ये प्रिज्म की शेप इख्तियार करता है एंड्स पे एंड्स पे तो बिल्कुल हमें लगता है कि ये प्रिज्म है तो ये यहां पर प्रिज्म की शेप इस्तेमाल करता है शेप इख्तियार करता है अब देखिए अगर ये वाली रेज यहां से आती है ऐसे करके रेज आती हैं एक ये रेज है और दूसरी ये रेज है जो यहां से टकराती हैं जो यहां से टकराती हैं कहीं ऑब्जेक्ट से जो रेज आती हैं बीम ऑफ रेज बंच ऑफ रेज जो किसी ऑब्जेक्ट से जब रेज आती हैं तो वाइट कलर की जो रेज आती हैं है? व्हाइट कलर की जो रेज आती हैं ठीक है व्हाइट कलर की जो रेज आते हैं तो क्या होता है कि ये जो प्रिज्म है प्रिज्म करता क्या है प्रिज्म डिस्पर्शन करता है लाइट को डिस्पर्शन देता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट की ये जो व्हाइट लाइट है इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ बेसिकली सेवन कलर्स और डिस्पर्शन में ये कलर अलग अलग निकलते हैं ठीक है क्योंकि जो ये अलग अलग कलर्स को अलग अलग वेवलेंथ के कलर्स को अलग अलग डिविएशन दिखाता है ठीक है और डिविएशन का फार्मूला आपको पता है mu into, mu minus one into a, तो अगर आपको deviation का पता होगा और और जो जो होता होता है है अब क्या होता है कि यहां पर जो कलर्स आते हैं तो अगर इमेज बनेगी अगर इमेज बनेगी देखिए किसी कलर को ये अगर रेड कलर को ये सबसे कम डिविएशन दिखाएगा वो यहां पर आ जाएगा रेड कलर को ये सबसे कम डिविएशन दिखाएगा ठीक है वो दूर जाके फोकस हो जाएगा यहां पर लेकिन अगर कोई वायलेट कलर होगा वो तो यहां पर आ जाएगा जल्दी जल्दी डिविएट करेगा ये वाली चीज आप देखिए अब जिस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बन रही है जिस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बन रही है और यहां पर जो है ये अलग अलग कलर्स को क्या दिखाता है अलग अलग डिविएशन दिखाता है तो जो इमेज बनेगी कहीं किसी किसी को ये तो फोकस यहां पर करेगा और कुछ को, कुछ कलर्स को ये फोकस यहां पर करेगा और यहां पर जो हमें इमेज दिखाई देगी वो ब्लर्ड इमेज होगी वो सही इमेज हमें दिखाई नहीं देगी ठीक है शार्प इमेज नहीं भैया दूसरे लफ्जों में हम बोल सकते हैं कि वो शार्प इमेज नहीं होगी ठीक है शार्प इमेज नहीं होगी राइट अब ध्यान से देखिए तो ये हमारे पास इस, इसको बोलते क्रोमा मतलब कलर अलग अलग कलर्स को अलग अलग डिविएशन देता है क्योंकि हर एक कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है और उनको ये अलग अलग फिर से मैं बोल रहा हूं अगर यहाँ पर कोई तो उनको अलग से कहीं जगह पर फोकस करेगा और प्रिज्म के केस में अगर हम इनको एक प्रिज्म मान के चलते हैं ये वाली और यहाँ पर ये वाली जब इस पर लाइट गिरेगी तो ये अलग अलग कलर्स को अलग अलग जगह पर फोकस करेगा क्योंकि उनकी वेव अलग अलग होगी तो इस तरह से एक ही जगह पर फोकस नहीं होंगे तो हम चाहते थे कि जिस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी वो इमेज एक जगह पर बने एक ही पॉइंट पर बने प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट पर बने और वो इमेज बहुत शार्प होगी वो ब्लर्ड नो नहीं होगी एक अच्छी इमेज होगी तो अगर ये सारी आफ्टर रिफ्रैक्शन जो ये रेज हैं अगर ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलते है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ये लेंस के लेंस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है लेंस की वजह से क्रोमैटिक अप्रेशन है तो इस चीज़ को बोलते हैं जो ये अलग अलग कलर्स को डिविएशन कलर्स तो इसको बोलते हैं क्रोमैटिक अपनी पाथ से हटना उसको बोलते हैं एबरेशन और यह वाला डिफेक्ट हो गया क्रोमैटिक एबरेशन ठीक है ये एक डिफेक्ट हो गया जो रिफ्रैक्टिंग के साथ हो गया हमें पूरी शार्प इमेज नहीं मिलती है डिस्टिंक्ट इमेज नहीं मिलती है इसीलिए हम ये प्रॉब्लम इसके साथ है तो अब दूसरा जो है जो हमारे पास सुफेरिकल एबरेशन है अब ध्यान से देखिए सुफेरिकल ऑपरेशन को अच्छे से समझ क्योंकि सुफेरिकल ऑपरेशन इसकी वजह से तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इसको हम वैसे इससे हम डील करते हैं लेकिन इस वजह इस डिफेक्ट की वजह से हमें फिर रिफ्लेक्टिंग को लेना पड़ता है ठीक है तो मैंने टोटल मैंने आपको इन टोटल में बताया देर आर टू काइंड ऑफ डिफेक्ट टू काइंड ऑफ प्रॉब्लम वन इज और लेंस के साथ अब हम यहां पर जब हम रिफ्रैक्शन से रिफ्लेक्टिंग पर जाएंगे किस प्रॉब्लम को ओवरकम करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा लेकिन फिलहाल लेंस के साथ दो तरह के ऑपरेशन होते हैं एक क्रोमेटिक ऑपरेशन होता है एक सुफेरिकल ऑपरेशन होता है और क्रोमैटिक ऑपरेशन आपको पता चला कि हर एक कलर को एक प्रिज्म जैसे हमें इसमें ये जो बना हुआ है छोटे ये जो लेंस होती है ये छोटे छोटे प्रिज्म से बनी होती है और जब ये प्रिज्म पर व्हाइट लाइट पड़ती है वहां डिस्पर्शन होता है अलग अलग कलर्स को अलग अलग डिविएशन होता है वो एक ही पॉइंट

जो हम पढ़ रहे थे दो तरह की रेस क्या होती हैं? कौन कौन सी रेस होती हैं? एक मैंने आपको बोला है एक रे होती है उसको बोलते हैं पैरक्शियल रेस याद आया कुछ पैरजियल रेस तो कुछ रेस ऐसी होती हैं, उनको बोलते हैं पैरक्शियल रेस प्रेक्शियल रेस प्रेक्शियल रेस कौन सी रेस होती है ऐसी रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक होती हैं मान लो ये वाला केस लेते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक होती हैं और जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक होती हैं तो ये कहीं जाके ऐसे करके ये मिलते हैं ये ये लो ये ऐसे करके मिलते हैं और यहाँ पर ये फोकस फोर फोकस फॉर पैरेक्सियल रेज तो पैरेक्सियल रेज के लिए जब ऐसे किसी ऑब्जेक्ट से रेज आती हैं और दैट रेज आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये इनकी प्रिंसिपल एक्सिस है और ऐसे करके ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस हो जाते हैं और यहां पर एक ऐसी इमेज बनती है अच्छी वाली इमेज बनती है अब ध्यान से अब किसी ऑब्जेक्ट से सारी रेज ऐसी नहीं आएंगी तो वो तो एजम्प्शन हम लेते हैं कि ऑल द रेज आर प्रेक्ल रेज और जो बहुत क्लोज होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ लेकिन ऐसा नहीं होगा ना ये तो एक एजम्पन है कुछ रेज हो, ऐसी भी होंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर होंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर होंगी उन रेज को बोलते हैं मार्जिनल रेज। ये मैंने आपको क्लासरूम के लेक्चर में समझाया है लेकिन माशाला आपकी काबिलियत के तो दाद देनी पड़ेगी कितना आपको याद होगा आज जैसा जैसे, जैसे ल, लग रहा होगा कि पहली बार सुन रहे वो टाइसबु कड़मस मार्जिनल रेज वो टाइस कड़मस तुम दिता कुछ मार्जिनल रेज मार्जिनल रेस गई म रेज यहां पर मैं दिखाऊंगा ये मैं फिर से एक लेंस लेता हूं मार्जिनल रेज गई तिम रेज प्रिंसिपल एक्सीस नूर आसन शबाश रेज प्रिंसिपल एक्सीस नूर आस तिमन चन मार्जिनल रेज ठीक है प्रिंसिपल एक्सीस से जो दूर हो जाएंगी मार्जिनल रेज और जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो जाएंगी वो यहाँ पर गिरेंगी अब देखो यहाँ पर गिरेंगी तो उनका जो वो जो फोकस हो जाएंगी वो फोकस हो जाएंगी ऐसे करके यानी जो नज़दीक वाली रेज है वो दूर फोकस उनका फोकस दूर होगा वो दूर कहीं पर मिलेंगे और यहाँ पर इमेज बनेगी और जो दूर मार्जिनल रेज है वो उस फोकस पर नहीं मिलेंगी जिस फोकस पर कौन सी मिलेगी क्योंकि इट इज़ बिकॉज अब आप बोलोगे क्यों इट इज बिकॉज ऑफ द जियोमैट्री ऑफ दिस लेंस इस लेंस की अगर जियोमैट्री आप देखेंगे ये जियोमेट्री तो ऐसी है ना देखिए यहां पर जियोमेट्री यहां पर ये इतनी चौड़ी है इतनी इसकी वृथ ज्यादा है यहां पर इसकी वृद्ध कम है और इट इज बिकॉज ऑफ द जियोमैट्री जियोमैट्री ऑफ द लेंस उसकी वजह से ऐसा होता है क्या होता है कि जो रेज बहुत नज़दीक होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के वो किसी दूर वाली जगह पर फोकस हो जाएंगी और जो मार्जिनल रेज होती हैं वो बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्री यहां पर देखिए उसकी वजह से फोकस किसी और जगह पर होती है अब देखिए एक ही ऑब्जेक्ट से आने वाली इमेज कुछ रेज यहां पर फोकस हो गई और कुछ रेज यहां पर फोकस हो गई और दोनों के बीच में ये गैप हो गया और इसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो ब्लर्ड होगी वो शार्प इमेज नहीं होगी इट इज बिकॉज ऑफ द जियोमेट्री ऑफ द लेंस और इस वाले डिफेक्ट को हम बोलते हैं कौन सा सुफेरिकल एबरेशन क्या बोलते हैं सुफेरिकल एबरे तो सुफेरिकल एबरेशन सुफेरिकल लेंस का जो ये पार्ट जो ये लेंस है सुफे, सुफे, सुफेरिकल सरफेसिस का बना हुआ जो लेंस है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है और इसको बोलते हैं सुफेरिकल एब्रेशन ठीक है फिर इन दोनों का जो ये डिफरेंस है वो बोलते हैं हम एक्शल सुफेरिकल एब्रेशन अलग अलग नाम है लेकिन फिलहाल यहाँ तक खाली आप ये चीज़ याद रखेंगे कि हम सुफेरिकल ये जो हम रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यानी जो हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ा था वाई हमें क्यों पढ़ना पड़ा रिफ्लैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप अब आपको पता चला होगा कि बेसिकली दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के साथ एक क्रोमैटिक ऑपरेशन होता है एक सुफेरिकल ऑपरेशन होता है क्रोमैटिक जब आ, आ, ये जो रेज ऑफ लाइट पड़ती हैं प्रिज्म पर क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा इसका प्रिज्म बनता है बेसिकली ये छोटे छोटे प्रिज्म के साथ ही टोटल अगर देखा जाए तो प्रिज्म ही बनता है छोटे छोटे प्रिज्म बनते हैं किसी में ज़्यादा व्यढ़त होती है किसी में एंगल कम होता है किसी में एंगल ज़्यादा होता है बेसिकली, बेसिकली प्रिज्म ही बनता है लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए मैंने ऊपर वाला ये वाला हिस्सा ले लिया प्रिज्म ये वाला हिस्सा और प्रिज्म क्या करता है प्रिज्म डिस्पर्शन करता है और वाइट लाइट को बिखर बिखरा देता है वाइट लाइट को डिस्पर्स करता है और अलग अलग कलर्स को अलग अलग मोड़ देता है तो जब ये अलग अलग कलर्स को अलग अलग मोड देता है तो अलग अलग कलर के जो फोकस अलग अलग पॉइंट्स पर हो जाते हैं उसकी वजह से कलर की वजह से जो एब्रेशन आता है डिफेक्ट आता है उसको बोलते हैं और जो ज्योमेट्री ऑफ द लेंस की वजह से जो आता है जो अलग अलग फोकस हो जाती हैं और जो रेज नजदीक होते हैं उनको बोलते हैं परेक्शियल रेज और उनका फोकस वो किसी अलग जगह पर फोकस होती हैं और जो मार्जिनल रेज होती हैं जो बहुत दूर होती हैं वो अलग जगह पर फोकस होती हैं और उनकी वजह से आता है एबरेशन और इसी एबरेशन को दूर करने के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास सुफेरिकल इस सुफेरिकल एबरेशन को दूर करने के लिए वी आर यूजिंग ए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप सो रिफ्लेक्टिंग टाइप रिफ्लेक्शन मीनस अब हम लेंस का इस्तेमाल यहां नहीं करते आईपीस के लिए करते हैं वो मैं बोलूंगा लेकिन फिलहाल लेंस का इस्तेमाल नहीं करते लेंस के केस में रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्टिंग मतलब वी आर यूजिंग ए मिरर तो याद रखिए रिफ्लेक्टिंग के केस में अब मिरर का इस्तेमाल होता है मिरर के केस में क्या रिफ्रैक्शन होगा मिरर के केस में तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा मिरर के केस में खाली रिफ्लेक्शन होगा और जब रिफ्लेक्शन होगा रिफ्लेक्शन के साथ तो सुफेरिकल ऑपरेशन और क्रोमेटिक ऑपरेशन का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है दैट मीनस जो जो प्रॉब्लम्स लेंस के साथ है जो प्रॉब्लम्स रिफ्रैक्शन ऑफ लेंजेस के साथ है क्रोमैटिक एंड सुफेरिकलेब्रेशन वो मिरर में नहीं है इसीलिए हमने क्या कर दिया हमने लेंजेस को चेंज कर दिया मिरर से और मिरर में रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन होगा इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप सो जहां पर मिरर का इस्तेमाल हो गया होगा उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और इसको क्या बोलते थे और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कौन सी टेलीस्कोप है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के दो प्रॉब्लम्स स्पेरिकल क्रोमैटिक ऑपरेशन लेंस के साथ ये प्रॉब्लम है और लेंस को ये रिप्लेस कर दिया भाई मिरर क्योंकि मिरर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स से हम व बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हमने ओवरकम कर दिया बाय यूजिंग मिरर ठीक है और इसी मिरर पर अब जो ये टेलीस्कोप बनेगा इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप दो तरह की होती है एक न्यूटनियन टाइप टेलीस्कोप न्यूटनियन टेलीस्कोप एक टेलीस्कोप ये है जिसको हम न्यूटनियन टेलीस्कोप जो न्यूटन ने आविष्कार किया था उसको बोलते हैं न्यूटनियन टेलीस्कोप और ये ये हमारे सिलेबस में है भी नहीं न्यूटनियन टेलीस्कोप इसमें भी मिरर ही लगता है और इस न्यूटनियन से एडवांस एक आ गया उसको बोलते हैं कैसी गैरियन ये भी एक साइंटिस्ट था इसको बोलते हैं कैसेगेरियन टेलीस्कोप बस नाम ही है ज़्यादा डरना नहीं है ये है कैसेगेरियन टेलीस्कोप कैसेग्रैनियन टेलीस्कोप कैसेगेरियन टेलीस्कोप और न्यूटानियन टेलीस्कोप दोनों जो हैं ये हैं कौन सी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और ये न्यूटन उतना आ, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है इसमें भी मिरर का इस्तेमाल होता है लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो है कैसेगैरियन टाइप टेलीस्कोप अब हम इसी कैसगैरियन टेलीस्कोप को डिस्कस करेंगे छोटी सी चीज़ है कोई डेरावेशन नहीं है बस आपको याद ही रखना है कि इसमें होता क्या है और इसका कंसेप्ट क्या है तो हेडिंग के नोट करिए कैसेगैरियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हेडिंग बनाइए कैसगैरियन रिफ्लेक्टिंग चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कैसेगेरियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप <coughs> चलिए <coughs> कैसेग्रेरियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कैसीग्रेरियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ठीक है तो इट इज बेसिकली इंप्रूवमेंट और न्यूटेनियन टेलीस्कोप न्यूटेनियन हमने डिस्कस नहीं किया बस उसमें भी मेरा रहे लेकिन अभी अब इंप्रू, इंप्रूव्ड वर्जन है तो इसी को हम डिस्कस करेंगे ठीक है और अगर कैसीग्रेनियन में क्यों इस्तेमाल करना पड़ा रिफ्रैक्टिंग रिफ्लेक्टिंग टाइप बिकॉज उसमें जो जो एब्रेशन आते थे क्रोमेटिक एब्रेशन सुफेरिकल एब्रेशन उसको यहां पर हम ओवरकम करते हैं इसमें कोई ऐब्रेशन नहीं होता क्योंकि इसमें हम मिरर का इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो बेसिकली कहां से स्टार्ट करते हैं बेसिकली जो ये कैसीग्रेनियन एक साइंटिस्ट था उसने ये बनाया इसमें हमने इस्तेमाल किया एक मिरर एक मिरर का इस्तेमाल हमने किया ये हमने एक मिरर का इस्तेमाल किया और कौन सा वाला मिरर है ये पैराबलाइट ये पैराबुलाइट यानी पैराबलाइट मिरर कनकेव कनकेव मिरर इसमें इस्तेमाल हुआ तो पहली बात व्हाई वी आर यूजिंग पैराबलाइट इट इज बिकॉज इसमें सुफेरिकल एब्रेशन नहीं आता है सुफेरिकल एब्रेशन क्योंकि वो ज्योमेट्री की वजह से था तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वाई वी आर यूजिंग पैराब्लाइट कंकेव मिरर वो इसलिए कि पैराब्लाइट की शेप जो है इस तरह से हम बनाते हैं ताकि इसमें सुफेरिकल एब्रेशन ना आए ठीक है इस तरह से पैराब्लाइट कंकेव मिरर हम लेते हैं इसमें क्या नहीं आए इसकी वजह से क्या दूर होता है इसकी वजह से जो हमारे पास वहां पर प्रॉब्लम आई थी सुफेरिकल एब्रेशन है वो सुफेरिकल एब्रेशन को हम ओवरकम करते हैं ओवरकम प्रॉब्लम ऑफ सुफेरिकल एब्रेशन सुफेरिकल एब्रेशन अब ध्यान से देखिए राइट ये हमारे पास एक कंकेव है तो ऐसे हम इसको बाहर से पालिश करेंगे और इसके बीच में जो है एक होल होता है यहां पर एक होल हम बनाते हैं इस तरह का एक होल होता है ऐसे ये होल होता है ऐसे किस लिए होता है ठीक है तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है ये हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है कौन सा मिरर है ये कंकेव मिरर और इसी को आपको एज ए कंस्ट्रक्शन में लिखना है इट कंसिस्ट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर तो यहां पर हम लिखेंगे इसको इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ ए पैराबुलाइट मिरर मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर क्योंकि मैक्सिमम रेज इस पर आ जाए इसीलिए हमने लार्ज एपर्चर वाला मिरर हमने यहां पर ले लिया इट कंसिस्ट्स ऑफ ए पैराबलाइट मिरर ऑफ लार्ज एपर्चर विथ अ सर्कुलर होल एट इट सेंटर यही हमने बनाया विथ अ सर्कुलर होल विथ अ सर्कुलर होल होल एट इट्स सेंटर सर्कुलर होल एट एट एस सेंटर ठीक है ध्यान से देखिए जब हमने ये बना दिया ए स्मॉल कन्केव मिरर अब हम कन्वेक्स मिरर इसके सामने क्या है पहले ध्यान से देखिए पहले अब कोई ऑब्जेक्ट है तो वहां से एक पर्ल बीम ऑफ रेज आ जाएंगी वही ऐसे कोई एक ऑब्जेक्ट है दूर से जिसको हमें देखना है तो उसकी यहां पर पर्लल बीम आ जाएंगी ऐसे करके पर्लल बीम आ जाएंगी ऐसे ठीक है और दो ले सकते हैं आप एक ले सकते हैं तो यहां पर ये पर्ल बीम आ जाएंगी ऐसे ठीक है अब देखिए यहां से जब ये पर्ल बीम आ जाएंगी तो ये यहां से टकरा के ये टकरा के तो यहां रिफ्लेक्शन होगा यहां पर क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां कहीं पर फोकस हो जाएंगी तो इसको मैं डॉटेड से लेता हूं ऐसे करके ये यहां पर फोकस हो जाएंगी ये आफ्टर ये जो है ये यहां पर क्या हो जाएंगी फोकस हो जाएंगी ठीक है और ये है फोकस और यहां पर फोकस हो जाएंगी और यहां पर क्या बनेगी इमेज ठीक है प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस हो जाएंगी तो क्या बनेगी इमेज बनेगी राइट ये पहला क्या लिया हमने हमने एक पैरबलाइड कंकेव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर वहां पर इसको बीच में एक होल रखा गया है होल के बाद यहां से किसी दूर वाले ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी वो पर्ल आ जाएंगी और ऑफ्टर हिटिंग आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस मिरर तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएंगी और वो यहां पर मिलेंगी अब हमने क्या किया हमें इमेज चाहिए ना हमें कि दूर वाले ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज चाहिए ठीक है तो क्या करते हैं हम अब इसके सामने बिफोर ये मैंने डॉटेड से इसलिए बनाया क्योंकि इसके सामने हम और एक मिरर रखते हैं और वो सेकेंडरी मिरर होता है ये वाला सेकेंडरी मिरर सेकेंडरी मिरर और ये सेकेंडरी मिरर जो है ये एक कनकेव मिरर होता है कनकेव मिरर होता है पहला वाला कन्वेक्स था वो ऐसे करके और यहां अब देखिए ये कर, तो इसको हम अंदर से ऐसे करके पॉलिश करेंगे क्योंकि ये कौन सा मिरर है कनकेव मिरर है ये ठीक है तो पहले क्या है इट कंसिस्ट ए पैराबोलाइड मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर विथ ए सर्कुलर होल एट इट सेंटर ठीक है एट इट अ सेंटर ए स्मॉल मिर इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ओ ठीक है और यहां पर इसको आप ये एक्चुअली इमेज बन गई ठीक है अब हम इस इमेज को इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का, का काम करेगा ये वाली इमेज जो इसने बनाई ये वाली इमेज इसके लिए एज ए ऑब्जेक्ट का काम करेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा ठीक है तो अगर आप इसको लिखना भी चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए स्मॉल कनकेव मिरर इज प्लेस्ड ए स्मॉल कनकेव मिरर ए स्मॉल कनकेव मिरर इज प्लेस्ड स्मॉल कनकेव मिररर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओ अब देखिए ये एक्चुअली आई है तो आप इसको ओ भी मान सकते हैं लेकिन किसका ओ है ये ये इस कनकेव का ऑब्जेक्टिव है लेकिन एक्चुअल में तो ये इस कन्वेक्स ने कंकेव ने कनकेव ने किसी इनफिनिटी पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई थी लेकिन वो इमेज एज एन ऑब्जेक्ट का काम करेगी इस कन के मिरर के लिए वही मैंने बोला ए स्मॉल कन के मिरर एक छोटा सा कन के मिरर इज प्लेसड इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ओ इज प्लेसड इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ओ उसके सामने ये रखा अब देखिए ये आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन ये यहां पर मिलती लेकिन इनको मिलने से पहले हमने यहां पर एक कनकेव मिरर लगा दिया ठीक है अब जब ये इस कनकेव मिरर से टकराएंगे तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगी इसके साथ रिफ्लेक्शन होके ये ऐसे इस होल के साथ ऐसे यहां से निकलेंगे ये ऐसे करके यहां से निकलेंगे ठीक है तो यहां पर हमने अब आई पीस लगा दिया यहां पर वही लेंस लगा दी हमने और आई पीस वाली लेंस जहां से हम इसको देखेंगे ये हमारी लेंस है जो हमने यहां पर लगा दी ऐसे करके ये हमने आई पीस वाली इसके लिए लेंस लगा दी और ये ऐसे करके जब आएगा तो ये ऐसे निकलेगा ये ऐसे करके आएगा तो ये ऐसे निकलेगा और यहां पर हमने इसके लिए फिर ए आई जो है ये आई हमने यहां सेट कर दी और ये जो है आई यहां से हम इसको अब देखेंगे ये वाला और इसको बोलते हैं आई पीस अब देखिए सिंपल सी चीज है ये क्या किया हमने फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ओ द फाइनल इमेज इज ऑब्जर्व थ्रू एन आई पीस ई ये जो है यहां पर हमने इसको आई पीस ई माना है द फाइनल इमेज द फाइनल इमेज The final image is observed. The final image is observed through eyepiece through eyepiece O eyepiece E. Final image hamne eyepiece E placed it in front of the whole of the objective placed in front. of the whole of the object. whole of the object. ये देखिए दिस ये है हमारा कैसेगेरियन टाइप टेलीस्कोप फिर से यहां से ये आफ्टर जब हम इसके साथ यहां पर एक कंकेव ये डॉटेड ऐसे आई ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे गया ये यहां से जो यहाँ से जो ये आफ्टर आई इससे पहले यहाँ पर पहुँचने के बाद ये पहले इससे टकराते हैं और यहाँ दोनों निकल के ऐसे और यहाँ हम आई पीस लगाते हैं यहाँ से इसको देखते हैं और इस तरह से हमें इस ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है पहले इसकी इमेज यहाँ पर बन गई उस इमेज ने ऑब्जेक्ट का, का काम किया इसके लिए और यहाँ से हमने आई पीस पर इसको देखा और इस तरह से हम एक शार्प इमेज लगाते हैं शार्प इमेज देखते हैं अब देखिए क्या इसमें कहीं जगह पर लेंस का इस्तेमाल आ गया जहां से रिफ्रैक्शन हो गया नहीं हो गया तो यहां पर मिरर का इस्तेमाल हो गया इसीलिए क्रोमैटिक ऑपरेशन एंड सुफेरिकल ऑपरेशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं वही तो हमें ओवरकम करना था और इतना एज सिंपल है ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ठीक है और ये बस इतना आपको याद रखना है और जो इसकी फार्मूला है वो फार्मूला बिल्कुल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जैसी है एफ नॉट बाई एफ ई इंटू वन प्लस डी बाईफ ही जो वहां पर फार्मूला है वही फार्मूला इसके लिए भी है अलग से कोई फार्मूला हमें याद नहीं रखनी है जो फार्मूला वहां पर है डिस्ट्रिक्ट विजन के लिए जो फार्मूला एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए है और वही फार्मूला लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन पर है जो वहां पर फार्मूला है वही फार्मूला यहां पर भी इस्तेमाल हो जाएंगी तो लास्ट में हमने कंक्लूजन इसका क्या निकाला कि हम रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इस्तेमाल क्यों करते हैं क्योंकि रिफ्रैक्शन में लेंस लगता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप या हम बोल सकते हैं एस्ट्रोनॉमिक टेलीस्कोप में क्या लग सकता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में लेंजेस लगते हैं और लेंजेस के साथ दो तरह के प्रॉब्लम्स uh, होते हैं दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं और उन डिफेक्ट्स का नाम है सुफेरिकल ऑपरेशन एंड क्रोमैटिक ऑपरेशन ऑबरेशन और सुफेरिकल ऑब्रेशन को दूर करने के लिए हम रिफ्रैक्शन से रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनाते हैं और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हमारा जो एडवांसड है वो है कैसेगैरियन टाइप टेलीस्कोप और उसमें क्या होता है उसमें एक पैराब्लाइड मिरर लगता है ऑफ लार्ज अपर्चर और वहाँ पर इस पैराब्लाइट की वजह से कोई सुफेरिकल एब्रेशन नहीं होता है क्योंकि ये मिरर है मिरर के साथ एब्रेशन का कोई वास्ता नहीं है सुफेरिकल एब्रेशन का नहीं है बस हम रिप्लेस कराते हैं लेंस को मिरर से ताकि एब्रेशन ना हो और इसमें से जो ये वाला है ये है कैसीगेरियन टाइप टेलीस्कोप कैसीगेरियन टाइप टेलीस्कोप बस इतना याद है मोस्ट ज़्यादा तो पूछा भी नहीं जाता है लेकिन आप लोगों ने पता होना है होप आज का लेक्चर आपको बहुत एज सिंपल है आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है एंड इस तरह से हमारा जो रे ऑप्टिक्स अगर टाइम मिला तो इन मैं एक दो लेक्चर्स में आपको नुमेरिकल्स भी करवाऊंगा, वो हम आगे देखेंगे लेकिन यू शुड बी वेरी मच प्रिपेयर अबाउट योर एग्जामिनेशन बहुत अच्छे सवाल आएंगे आपके एग्ज़ाम में ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसीलिए जो मैं आपको डीपीपी सेंड करूंगा उस डीपीपी पर ज़्यादा गौर करिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए ताकि आपको अच्छे नंबर मिले और पहली बार हमारा भी दिल खुश हो जाए तो दिल खुश हो जाए कि हाँ वाकई आप लोग कुछ ऑनलाइन क्लासेस से आप लोगों ने थोड़ा फ़ायदा मिल रहा है ठीक है फ़ायदा मिल रहा है और वैसे नहीं रहना है जि जिस तरह से आप इतने काबिल थे माशाल्लाह आपको तो कहने की ज़रूरत नहीं है काबिलियत आपकी काबिलियत तो अलामिया सबको ऐसे ही काबिलियत से नवाजे ठीक है तो इसीलिए मुझे आप पर पूरा भरोसा है आप अच्छे उस डीपीपी को करेंगे कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे बोल सकते हैं थैंक यू फॉर दिस सेशन हैव नाइस डे टेक केयर बाय बाय